महाराज जी है क्योंकि कल नवमी है, परिक्रमा का दिवस है। आप लोग महाराज जी क्या कहेंगे सीताद्वार के मेले के अवसर पर और नवमी के अवसर पर? आप उस आश्रम पे पहुँचे हैं जिला श्रावस्ती सीताद्वार मंदिर और माँ जगत जननी सभी को मनोकामना पूर्ण करें। हमारे यहाँ उपस्थित में भक्त काफ़ी दूर तादाद में संख्या पहुँची हुई है और कल परिक्रमा जो है आज ही रात में 2-2.5 बजे से परिक्रमा उठाएंगे और नवमी का परिक्रमा कर सुबह माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा महाराज जी, कितने किलोमीटर का परिक्रमा है, कितने कोस का? ये सीताकुंड झील 7 कोस का परिक्रमा है, 7 कोसी परिक्रमा है। अच्छा 7 कोसी परिक्रमा है। लोगों को कोई असुविधा या कुछ हो तो इसके लिए मतलब आप लोग क्या यहाँ पर उपाय करते हैं? सारी व्यवस्थाएं जो चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। अच्छा महाराज जी, मेला कब से शुरू हो जाएगा? जो पूर्णिमा का मेला है वो कितने तारीख से शुरू हो रहा है? कार्तिक पूर्णिमा जो है 15 नवम्बर से 20 नवम्बर तक जो मेला जारी रहेगा, उसमें करोड़ों दर्शनार्थी आएंगे, देश प्रदेश से हर जगह से चलकर आएंगे। माँ जगत जननी माता सीता के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर पहुँचेंगे, उनकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करेंगे सीता मैया। देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और आज जो है परिक्रमा जो है ये लोग उठाएंगे और यही लोग नहीं, यहाँ पर कम से कम लाखों लोग पहुँचेंगे आज रात को और अपना परिक्रमा जो है 7 कोसी परिक्रमा पूरा करेंगे। उसके बाद में फिर उसके 4-5 दिन बाद जो पूर्णिमा का अवसर होता है वहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है और इस बार आप लोग यहाँ पर कम से कम जो 5-6 झूले देखते थे, झूले की संख्या डबल हो गई है, मतलब 9-10 हो गई है लगभग, तो उसका भी आप लोग जो है उपयोग कर सकेंगे, मनोरंजन कर सकेंगे। और माता सीता के आप लोग दरबार में बैठे हैं उसको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि महंत जी यही यहाँ के जो है मुख्य कड़ाधार है, यही मेन सेवा करने के सेवादार यही भी है, सब कुछ यही है। महाराज कितने वर्षों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? अब हम नानंद से जो है, पहले हमारे गुरु जी श्री तिलक राम दास जी इस मंदिर के महंत थे जी। मैं उनका शिष्य पंडित संतोष दास तिवारी जो 10 साल के उम्र के अवस्था से हम मंदिर के देखभाल, गुरु जी का सेवा सत्कार, माता रानी के यहाँ दरबार में सर सफाई, अब वो जो है इस मंदिर का पुजारी हूँ। हाँ पंडित जी, एक चीज बताइए महाराज जी कि आप लोग जब से रहते, मतलब साल भर में साल भर यही रहते हैं कि मतलब खाली मेले के अवसर पर? नहीं, सालीना पूरा बराह मास 2400 घंटा रातों दिन इसी मंदिर, मतलब हमेशा आप यहीं पर रहते हैं, माता सीता जी के चरणों में अपना वास रखते हैं और यहीं पर उनकी सेवा करते हैं। 26 वर्ष हो गया इस मंदिर में हमको पूजा पाठ करते हुए, तो ये चीज आप लोग देखिएगा। और आप लोग भी अगर यहाँ पर जो आना चाहते हैं, जो न जानते हो वो लोग आए, और जो लोग जानते हैं वो लोग तो आज आ ही जाएंगे रात तक, क्योंकि उनको परिक्रमा रात के 2 बजे से उठाना है, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, मतलब 2 बजे के बाद उठ जाएगा परिक्रमा। और ये मंदिर की स्थापना आप लोग देख सकते हैं कि माता सीता जी का जो दरबार है यहीं पर हम लोग हैं और यही महंत जी जो है बैठते हैं, हमेशा आपको यहीं पर मिलेंगे, मेले का अवसर हो चाहे आपका परिक्रमा का अवसर हो। चलिए हम लोग रखते हैं और आप लोग दर्शन भी कर लीजिए। जय हिंद।